Hey guys, welcome back to my channel Spoon with Fork. Hope you are doing really great. So, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही झटपट बनने वाली सब्जी, जो कि है सोआ की सब्जी। ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है और इसे बनाना बहुत आसान है। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। Let's get started. यहाँ पे मैंने एक बंच सोआ ले लिया है, जिसे मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है और इसे मैंने बारीक काट लिया है। एक मीडियम साइज का प्याज ले लिया है, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। 2 टेबलस्पून लिया है मैंने मूंग दाल, जिसे मैंने भिगो के रख लिया था लगभग आधे घंटे के लिए। और 1 टेबलस्पून यहाँ मैंने लिया है हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट। इसका पेस्ट तैयार करते वक्त आप हरी मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक लोखंड की कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड करेंगे हम 2 टेबलस्पून तेल। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, गैस की फ्लेम हम कर देंगे लो और उसमें ऐड करेंगे हम हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट। इसे हमें लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए भून लेना है, जब तक इसमें से कच्चापन दूर ना हो जाए। ये भून चुका है, अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो प्याज हमने कट करके रखा था वो। अब प्याज को भी हमें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है मीडियम फ्लेम पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज भी काफी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो मूंग दाल हमने भिगो के रखी थी वो। इसमें से हमें पानी निकाल लेना है और बस मूंग दाल इसमें जो भिगोई हुई है वो ही ऐड करेंगे हम। अब मूंग दाल को भी हम ढक के पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मूंग की दाल हमारी थोड़ी सी पक चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे एक टमाटर, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। टमाटरों को भी हम ढक के पका लेंगे, जब तक कि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। टमाटर यहाँ काफी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो सोया हमने काट के रखा था वो। ये सब्जी बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाती है और लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन जाती है। बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं सोआ में। इसे कंज्यूम करने से आप हार्ट डिसीजेस से दूर रहेंगे, इससे आपका डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा रहेगा और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करने में बहुत हेल्पफुल होता है। अब इसी के साथ इसमें हम मिला देंगे नमक स्वाद अनुसार और हम लास्ट में इसमें ऐड करेंगे अब 1/2 टीस्पून हल्दी। Now just give it a good mix. अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसे हम ढक के पकाएंगे, जब तक इसका सारा पानी अच्छी तरह से सूख ना जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोआ ऑलमोस्ट बनके तैयार हो चुकी है हमारी। इसे हम थोड़ा सा इस तरह से मैश कर देंगे। अब 1 मिनट के लिए इसे हम बिना ढके पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये और अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब हम देख सकते हैं हमारी सोआ की सब्जी कम्प्लीटली बनके तैयार है। इसे अब गर्मा गर्म सर्व करेंगे हम रोटी के साथ, दाल के साथ। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो कि आप सभी को ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप सभी को ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अगली वीडियो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।